दोस्तों, एक बार किसी हैकर ने पूरे गूगल को ही पूरे एक मिनट के लिए हैक कर लिया था और सिर्फ उस एक मिनट में गूगल को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया था। अब दोस्तों, इस दुनिया में इतने तगड़े तगड़े हैकर्स बैठे हैं जो गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को भी हैक कर लेते हैं। ऐसे में किसी भी हैकर्स के लिए आपका फोन हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते है कि आपका फोन हैक करके वो जब चाहे आपके फोन का कैमरा ऑन कर सकता है, जब चाहे आपकी बातें सुन सकता है। अब ऐसे में एंड्रॉइड फोन इस मामले में सबसे ज्यादा हैक होते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि आईफोन्स कभी हैक नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हैकर्स कैसे आपके मोबाइल को हैक करते हैं, कैसे आप उस हैकर से खुद को और अपने मोबाइल को सेव कर सकते हो, और हैकर्स कैसे आईफोन को हैक करते हैं। जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर देखते हैं, तो आपको ठीक वही प्रोडक्ट हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र आने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वेबसाइट को कैसे पता चला कि मुझे ये चीज़ चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, असल में ये भी एक तरह के हैकर होते हैं। जब आप इन ऐप को इस्तेमाल करते हो, तब आप इनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़े बिना ही एक्सेस कर देते हो, और ठीक वही से आपका फ़ोन उनके काबू में आ जाता है। वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आपका ऐसा सारा डाटा उनके पास चला जाता है, जिससे वो ऐसा करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और ऐसे में जब आप थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं या किसी अनजान वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो आपको भी फालतू की नोटिफिकेशन आनी शुरू होती है, और इससे उन हैकर्स को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दोस्तों, पबजी को भी भारत में पहले इसीलिए बैन किया गया था क्योंकि वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप क्या शॉपिंग करना चाहते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब डाटा पबजी सीधा चाइना से शेयर करती थी, जिससे चाइना पबजी के जरिए हर दिन अरबों रुपए कमा रहा था। अब दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, फ़ोन पर कुछ ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, और कई बार उन पर एक लिंक भी होता है, और उस पर लिखा होता है कि आपने कोई लॉटरी वगैरह जीती है, और उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और इतने में हम जैसे लोग लिंक पर फटाफट क्लिक कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा फ़ोन हैक हो चुका है। हमारी इंटरनेट बैंकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास चली गई है, और उससे वो हैकर आपका बैंक बैलेंस भी खाली कर देता है। कई बार तो हैकर के पास आपकी ऐसी डिटेल भी चली जाती है, जिससे वो आपको ब्लैकमेल करना भी शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है तो ऐसा मत सोचिए कि आपका फ़ोन हैक हो नहीं सकता। भले एप्पल कंपनी का ये कहना है कि आईफोन कभी हैक नहीं हो सकता, लेकिन एक चाइनीज हैकर ने आईफोन 13 प्रो मैक्स को भी 15 सेकंड में हैक करके दिखा दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आईफोन का सफारी ब्राउजर था, उसमें कुछ कमियां थी, जिसकी मदद से उस हैकर ने 15 सेकंड में उस आईफोन को हैक कर दिया। अब ऐसे में आपको हैकर से बचना कैसे है? दोस्तों, अपना एंड्रॉइड फोन में पेड ऐप को कभी ना कभी फ्री में डाउनलोड तो जरूर किया होगा। अब ऐसे में आपको कोई फ्री में इतना बड़ा काम करके नहीं देता, और इसीलिए जिसने भी ये फ्री ऐप बनाया होता है, उसने इसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करी होती है जिससे आपके फोन की सारी कंट्रोलिंग उसके पास चली जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता, और इसीलिए आपको इन फ्री ऐप से दूर ही रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।